गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स मायसेल्फ डॉक्टर केसी सोनी एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी गवर्नमेंट लोहिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चूरू एफिलियेटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर इन टू डेज लेक्चर सीरीज आई विल डिलीवर माय टॉक ऑन एड्स प्रिय साथियों और विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है एक दिसंबर आज विश्व एड्स दिवस है और चूंकि कोरोना के चक्कर में सभी महाविद्यालय बंद है कैंपस में क्लासें चल नहीं रही है अन्यथा तो कॉलेज में हर वर्ष हॉल के अंदर एड्स दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें रैली निकाली जाती है स्लोगन प्रतियोगिताएं होती है चित्र प्रतियोगिताएं होती है आ, लेकिन इस कोरोना काल के चलते हुए एड्स पे एक विस्तृत व्याख्यान में आपसे शेयर करना चाहूँगा ये व्याख्यान मैंने कम से कम पचास कॉलेजों में डिलीवर किया है एन के माध्यम से एन के माध्यम से युवा विकास केंद्र के माध्यम से तो लेमैन के हिसाब से ये जो व्याख्यान है साइंटिफिक भी है और लेमैन के हिसाब से भी है तो आपको वैज्ञानिक पहलू टच करते हुए और अवेयरनेस के द्वारा मैं इसको आपसे शेयर करना चाहूँगा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एड्स एड्स क्या है एच क्या है एच आई और एड्स में क्या डिफरेंस है इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई एड्स की बीमारी कौन से देश से प्रारंभ हुई और कैसे कैसे पूरी दुनिया में इसका फैलाव हुआ इन सभी बातों को पहलुओं को टच करते हुए मैं आज का ये व्याख्यान में सम्पन्न करूंगा। वर्ल्ड्स एड्स डे विश्व एड्स दिवस जैसा कि पता है एक दिसंबर को पूरे विश्व में एर्थ दिवस है वो मनाया जाता है हाँ, सबसे पहले इसका परिचय एड्स इज द मोस्ट डेथफुल डिजीज ऑफ दिस सेंचुरी एड्स इस शताब्दी का सबसे भयावह रोग है चैलेंज टू वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम विश्व के जो स्वास्थ्य प्रोग्राम है उनके लिए अभी भी एक चुनौती बना हुआ है हाँ, सबसे पहले उन्नीस में कैलिफोर्निया और लॉस एंजिलस में कुछ समलैंगिक व्यक्तियों में न्यूमोसाइटिस निमोनिया रोग देखा गया और डॉक्टर्स ने इसको कापोसी सार्कोमा के साथ संबंधित किया क्योंकि उसमें मेडिकल डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि एच आई वायरस की उत्पत्ति हो गई है क्या एच आई वी का संक्रमण हो रहा है क्या लेकिन उनके लक्षणों को देखते हुए डॉक्टरों ने बताया कि यह कापोसी सार्कोमा बीमारी है जबकि वास्तव में कापोसी सार्कोमा बीमारी नहीं थी ये एड्स के लक्षण थे फिर उन्नीस सौ तिरासी में इस वायरस को रेट्रोवायरस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है जो कि बॉडी की टी कोशिकाओं पे रक्त में जो टी लिम्फोसाइट होती है उस पर ये संक्रमण करते हैं रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आ रहे होता है जैसे वर्तमान में अभी ये कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है कोरोना भी एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है कोरोना वायरस है ये भी एक तरह का रिट्रो है तो एचआई वायरस है ये भी एक तरह का रिट्रो है और रिट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए होता है इन 1983 दिस रेट्रोवायरस वाज़ सेपरेटेड फ्रॉम एन एड्स पेशेंट लिफ नोड बायोप्सी एट पाश्चर इंस्टीट्यूट 1983 में पाश्चर इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट की लसीका की जो गांठें होती है उससे इस वायरस को पृथक किया गया और 1986 में इसका नाम रखा एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियसी वायरस क्योंकि इस वायरस के संक्रमण से मनुष्यों की जो प्रतिरक्षी जो प्रणाली होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है इन 1986, एटी सिक्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन एंटीजेनिक स्ट्रेन इट वॉज नेम्ड एज एच आई वी फर्स्ट और उन्नीस सौ छियासी में इस वायरस के एंटीजेंस प्रभेद को आइडेंटिफाई कर लिया गया और इस वायरस का नाम रखा एच आई वी फर्स्ट एंड इट्स स्ट्रेन वॉज नेम्ड एज एच आई वी सेकेंड एच आई वी फर्स्ट और एच आई वी सेकेंड ये दोनों ही एच आई वी ये भी एक वायरस है सीमियन इम्यूनोडिफिशी वायरस उसके साथ ये आनुवंशी के रूप से काफी सिमिलर होते हैं रिसेंटली इन कैमरून एंड कनाडा ए न्यूज आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड एच एच आई वी जीरो एच आई वी सिक्स रेस्पेक्टिवली क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस में भी म्यूटेशंस बहुत जबरदस्त है और आज कोरोना की इंडिया में कम से कम सात वैरायटी है वो डेवलप हो चुकी है उसी तरह एच आई वायरस में भी म्यूटेशंस की दर होती है म्यूटेशंस बहुत फास्ट होता है और विश्व में इसके कई जो वेराइटी है, है तो जो जो इसकी डिस्कवरी हुई इनको नामकरण दिया गया तो वर्तमान में एच के जैसे चार प्रभेद जैसे ज्ञात है इसमें जैसे एच फर्स्ट है एच आई है एच आई जीरो है एच आई सिक्स है और हो सकता है भविष्य में इसका और कोई नया प्रभेद म्यूटेशंस के द्वारा विकसित हो जाए उसको फिर नया नाम दिया जाएगा जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं इनको दो समूह में रखा गया है रेट्रोवाइरस आर केप्ट इन टू ग्रुप इसमें एक ग्रुप तो होता है ट्रांसफॉर्मिंग वायरस और दूसरा ग्रुप जो है ये कहलाता है साइटोपैथिक वायरस ट्रांसफॉर्मिंग वायरस में क्या होता है इस समूह के जो वायरस होते हैं वो मनुष्य में कोशिकाओं की वृद्धि को परिवर्तित करते हैं और सेल की ग्रोथ जब परिवर्तित होती है वो अंत में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है जबकि साइटोपैथिक जो वायरस होते हैं ये कोशिकाओं की मृत्यु को प्रेरित करते हैं और कोशिकाओं की मृत्यु इसको एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है तो, तो ट्रांसफॉर्मिंग वायरस है ये तो मनुष्यों में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और साइटोपैथिक वायरस जो होते हैं ये कोशिकाओं की मृत्यु को प्रेरित करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग वायरस में मुख्य जो वायरस जैसे इस कैटेगरी में रखे गए हैं उसमें बोवान ल्यूकेमिया वायरस एवियन टाइप सी वायरस मेवेलियन टाइप सी वायरस एच टी एल वी फर्स्ट वायरस और एच टी एल वी सेकेंड वायरस साइटोपैथिक वायरस में विस्ना वायरस ई एल ए वी वायरस सी ए वी वायरस एफ टी वी वायरस एच आई वी फर्स्ट एच आई वी सेकेंड एच आई वी जीरो और सीमियन इम्यूनो वायरस तो ये कुछ ये कॉडवर्ड है संक्षेप में इनको डिटेल में यहां नहीं बता सकता क्योंकि समय की सीमा है मेरे पास तो रेट्रोवायरस के दो मेन ग्रुप हो गए ट्रांसफॉर्मिंग वायरस और साइटोपैथिक वायरस अब देख रहे हो जितने भी एच वायरस है ये साइटोपैथिक है यानी ये कोशिकाओं की मृत्यु को प्रेरित करते हैं कोश शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये एक कंपेरिटिव टेबल जैसे दिखाई है एच फर्स्ट वायरस जो होता है ये मनुष्यों में इन्फेक्ट करता है चिमपेजी में इन्फेक्ट करता है पीक टेल मैक बंदर जो होते हैं उसमें इन्फेक्ट करता है अब इसमें आप देख रहे हो एच फर्स्ट का इन्फेक्शन इन तीनों में है लेकिन मनुष्यों में एड्स लक्षण प्रकट करता है चिमपेजी में यह एड्स लक्षण प्रकट नहीं करता है और पीक टेल मैकाम में अभी एक क्वेश्चन वाचक है क्योंकि करेक्टर डेवलप करता है नहीं करता है इट इज ए क्वेश्चन मार्क एच आई वी सेकेंड वायरस मनुष्यों में इन्फेक्ट करता है चिमपेंजी में इन्फेक्ट करता है रिसस मंकी वाले जो बंदर है उसको संक्रमित करता है और बेबोन को इन्फेक्ट करता है अब एच आई वी सेकेंड में आप देख रहे हो ये मनुष्यों में एड्स के लक्षण प्रकट करता है चिंपेन्जी में नहीं करता है रिसस मंकी में एच आई वी के लक्षण प्रकट करता है बेबोन में करता है इसी तरह एस आई वी और एजीएम यानी अफ्रीकन ग्रीन मंकी वायरस ये वायरस अफ्रीकन ग्रीन मंकी को इन्फेक्ट करते हैं रिसस मंकी को इन्फेक्ट करते हैं और अफ्रीकन ग्रीन मंकी में ये एड्स के लक्षण डेवलप नहीं करते हैं लेकिन रिसस मंकी में ये एड्स के लक्षण डेवलप करते हैं अब आप देख रहे हो एड्स जो रोग है इससे मनुष्य अछूता नहीं है इसके चपेट में प्राइमेट भी है जिसमें लंगूर है ये आपके लाल मुंह वाले बंदर है अफ्रीकन ग्रीन मंकी है अब इस टेबल में आप देख रहे हो चिमपेन्जी ऐसा एनिमल है जिसमें एच आई के वायरस तो है शरीर में लेकिन इसमें एड्स के लक्षण डेवलप नहीं होते इट मीन्स चिंपेंजी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और चिंपेंजी के ब्लड से चिंपेंजी के जीन से इस वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है यह इस टेबल से कंक्लूजन निकलता है अब हाँ। क्वेश्चन है कि एचआईवी की उत्पत्ति कहां से हुई इसकी फैलने का पॉसिबल कॉज क्या था अब डेफिनेटली वायरस प्राइमेट्स ही फैला है और अफ्रीका में आप कभी जाओ युगांडा में कैनिया में छोटे चोट छोटे जो गांव है वहाँ पर अफ्रीका के अंदर वहाँ पर प्राइमेट्स का बाहुल्य बहुत है और चिंपेन्जी को एज ए फ्रेंड्स घरों में रखते हैं भोपाल के खेतों में उनको ले जाते हैं मोटरसाइकिल में बैठा के कारों में बैठा के उनसे ह्यूमन की तरह उनको काम में लिया जाता है और हो सकता है कि इन प्राइमेट्स के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया होगा मनुष्य ने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट किया होगा कोई किसिंग इवेंट्स की होगी तो इसी गतिविधियों के द्वारा इनका जो ट्रांसमिशन है ये प्राइमेट से मनुष्य के अंदर हुआ है और इस वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है और अफ्रीका से ये पूरी दुनिया के अंदर ये फैला है, है अब क्वेश्चन है कि इज एच आई वी एड्स द सेम थिंग क्या एच और एड्स एक ही चीज है ना एचआईवी का एच पॉजिटिव का अर्थ है कि इस मनुष्य के बॉडी में एच वायरस है लेकिन एड्स के जो लक्षण होते हैं ये एचआईवी से संक्रमण होने के बाद में 10 से 20 साल के बाद में डेवलप होते हैं और वो डिपेंड करता है आदमी का हेल्थ कैसा है यदि आदमी का हेल्थ अच्छा है फिजिक अच्छा है उसके न्यूट्रिशन और डाइट अच्छी है तो कई बार एच पॉजिटिव होने के पच्चीस पच्चीस साल के बाद में भी एड्स के लक्षण है वो डेवलप होते हैं यदि आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर है हेल्थ अच्छा नहीं है न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि एच के इन्फेक्शन के सात आठ साल बाद में भी एड्स के लक्षण है वो डेवलप हो जाए तो एच और एड्स एक ही चीज नहीं है एच है ये तो वायरस का इन्फेक्शन है और एड्स जो है ये इस वायरस के संक्रमण के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षणों का एक ग्रुप है इसलिए इसको सिंड्रोम नाम दिया है सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं है सिंड्रोम कई बीमारियों के लक्षणों का एक सामूहिक ग्रुप होता है उसको सिंड्रोम का नाम दिया है इसलिए एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम अब इस वायरस की स्ट्रक्चर इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा आ, क्योंकि इस वायरस में आर है वो इसका जेंटिंग मेटीरियल है इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन में पीटेन प्रोटीज एंजाइम होता है इंटीग्रेज एंजाइम होता है कोर प्रोटीन में P17 और P24 है, और न्यूक्लियो कैप्सिड होस्ट के द्वारा प्राप्त की गई के द्वारा घिरा जाता है और इस मेम्ब्रेन में जीपी एक सौ बीस और जीपी इकतालीस ये ग्लाइको प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं तो जिस तरह कोरोना वायरस के चारों तरफ प्लाज्मा झीली का आवरण है उसी तरह एच वायरस के चारों ओर भी प्लाज्मा झीली का आवरण होता है इसलिए इनका जो फ्यूजन होता है वो बॉडी के सेल मेम्ब्रेन के साथ हो सकता है ये इसका एक सिंपल जैसे डायग्राम दिखाया है इसमें और इसमें आप देख रहे हो ये सेंटर के अंदर इसका जेंटिक मटेरियल है कैप्सीट्स हैं चारों तरफ ये प्लाज्मा चीली कावरण है और इसके अंदर ये जी पी फोर्टी वन और जी पी एक्सौ बीस ये सरफेस प्रोटीन्स के रूप में इसमें प्रेजेंट है ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है ये इसके अंदर जैसे आर एन है ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये कैप्सीट कावरण है और चारों तरफ ये लिपिड बाई का प्लाज्मा झीली कावरन है और इसके ऊपर ये जीपी प्रोटीन्स है वो इसके अंदर सस्पेंडेड है तो ये एक क्रॉस सेक्शन है एच वायरस का अब इसका जीवन चक्र एच वायरस जब शरीर में प्रवेश कर गया उसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी तो शॉर्ट में आपको मैं बता दूं एच की लाइफ साइकिल तीन पदों में संपन्न होती है फर्स्ट स्टेप में एच वायरस की कोशिकाओं में प्रविष्टि होती है एंट्री ऑफ एच आई सेल और सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ एच आई वी इंटू हॉस्ट सेकेंड स्टेप में एच आई वी होस्ट कोशिकाओं का जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और थर्ड स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ एच आई वी प्रो वायरस और थर्ड स्टेप में इसकी जो संततियां हैं वो उत्पन्न होती है और सेल रप्चर होती है उसके बाद हजारों की संख्या में नए एच आई वी वायरस डॉटर वायरस है वो इसके अंदर uh, रिलीज हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप एंट्री ऑफ एच आई वी इंटू सेल अब वायरस की प्लाज्मा झीले में जीपीएक्सो बीस प्रोटीन है ये जीपीएक्सो बीस प्रोटीन सबसे पहले बॉडी की कुल ओस कोशकाओं के साथ ये अटैच होता है जिसकी प्लाज्मा झिल्ली में सी डी फोर प्रोटीन हो तो सी डी फोर प्रोटीन जैसे टी फोर सेल्स के अंदर मिलता है इसके अलावा और भी सेल्स में मिलता है तो जिन सेल्स में सी डी फोर रिसेप्टर होगा उसके साथ ये एच आई वायरस अटैच हो जाता है ज सीडी फोर प्रोटीन है ये लिवर की मैक्रोफेज को मिलता है ब्लड की मोनोसाइट सेल्स में मिलता है डेंडिटिक सेल्स में मिलता है स्किन के लेगर सेल्स में मिलता है हिमोपोटिक सेल्स में मिलता है और कोशिकाएं गिल, होती है उसके अंदर भी मिलता है बट इन लेस क्वांटिटी इन कंपेयर टू टी हेल्पर सेल लेकिन इन कोशिकाओं में प्रोटीन टी फॉर लिम्फोसाइट की तुलना में कम होता है, है, अब इसमें, जो होता है इसकी सी डी फोर प्रोटीन के साथ बंधन क्षमता बाइंडिंग कैपेसिटी एच आई वी सेकेंड वायरस की तुलना में पच्चीस गुना ज्यादा होती है मान लो बॉडी में एच आई फर्स्ट का इन्फेक्शन हो गया एच आई वी सेकेंड का इन्फेक्शन हो गया एच आई फर्स्ट है वो ज्यादा इसके अंदर वीगर है ज्यादा वो हानिकारक हो सकता है ज्यादा सेल को इन्फेक्ट कर सकता है एच आई वी HIV का आवरण हॉस्ट की कोशिकाओं के साथ फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन में फ्यूजोजेनिक uh, डोमेन जो होते हैं uh, वो इसके अंदर हेल्पफुल होते हैं हा इसके बाद में सेकेंड जो स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ एच आई वी इंटू हॉस्ट आफ्टर फ्यूजन न्यूक्लियो कैप्सिट ऑफ एच आई वी इज इंटरनलाइज्ड फ्यूजन के बाद में एच आई वी का जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है ये भीतर की तरफ ले लिया जाता है वायरल आर एन ए अनकवर्ड वायरस का आर एन ए है वो अनावृत हो जाता है वायरल आर एन ए सिंथेसाइजेज डीएनए बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइब है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का सिंथेसिस करता है अब ये वायरस का जो डीएनए होता है यह होस्ट सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है <coughs> इस जुड़ने में इंटीग्रेज एंजाइम हेल्पफुल होता है एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रो और ये अवस्था जो है प्रो कहलाती है और ये काफी समय तक सुप्त अवस्था में लेटेंट फेज के अंदर सेल के अंदर ये पड़ी रहती है थर्स द वायरस रिमेन इन इम्यून सिस्टम इन हिडन फेज इस तरह वायरस है वो हिडन परिस्थिति में छुपी परिस्थिति में ये सेल के अंदर काफी लंबे समय तक ये पड़ा रहता है और थर्ड स्टेप जो है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एच आई वी प्रोवाइरसटर एक्टिवेशन ऑफ प्रो वायरस द स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्स एंड ट्रांसलेट टू फॉर वायरल अब इस हिडन वायरस के एक्टिव होने के बाद में इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है ट्रांसलेशन होता है और वायरस अपने अकॉर्डिंग फिर जेनेटिक मटेरियल बनाता है अपने अकॉर्डिंग वो आ, प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उनको बनाता है और इनकी असेंबली जब होती है तो इसके अंदर डॉटर संतति जो होती है वायरस की वो बनती है और लास्ट में सेल रप्चर होती है या सेल में बडिंग होती है और बडिंग होने से ये वायरस है वो प्लाज्मा के आवरण के द्वारा आवृत हो जाते हैं और वायरस की नई संतति डॉटर जनरेशन है वो रिलीज होती है ये जैसे एक फ्लो चार्ट में दिखा है ये वायरस जैसे सबसे पहले किसी सेल के साथ फ्यूज हो रहा है उसके बाद इंटरनेलाइज हो गया वायरस का आर सेल के अंदर आ गया वायरस कारण है इस हॉर्स सेल के जितना भी जेंटिंग टेल है उसको अपने कब्जे में ले लेगा और अपने अकॉर्डिंग वो ट्रांसक्रिप्शन करता है ट्रांसलेशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है इनकी असेंबली होती है उससे ये डॉक्टर वायरस बनते हैं और ये डॉक्टर वायरस बर्डिंग के द्वारा वूकुलन के द्वारा सेल के बाहर रीच होते हैं और ये वायरस की नई जो प्रोजेनी है वो यहाँ पर बन जाती है तो ये एक शॉर्ट में इस वायरस की साइकिल है ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है और इसमें हॉट सेल दिखाइए इसमें रेड कलर में जो आप देख रहे हो ये वायरस है हा इस वायरस के पूरे जीनोम का भी एनालिसिस हो चुका है और इसके अंदर कुल मिला के नौ जीन है वो अब तक डिस्कवर हुए हैं जिसमें गैग जीन है ई है, वी है पॉल है यू है, आर है टैट है रेव है, नेफ है और कौन कौन से जीन कौन कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं किस किस प्रोटीन्स का क्या फंक्शंस हैं तो ये पूरी आ, डिटेल इसके जेनेटिक मटेरियल की या जीनोम की हाँ नव जेनेटिक वेरिएशन इन एच वेरी हाई जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू हाई रेट ऑफ म्यूटेशंस जैसे मैंने बताया इस वायरस में उत्परिवर्तन की दर बहुत जाता है और उत्परिवर्तन की दर ज्यादा होने से इसके अंदर नए नए प्रभेद जो होते हैं नई नई इसके जो वैरायटी है वो इसके अंदर बन जाती है

तो एक ही पेशेंट में अलग अलग सालों में आप देखो अलग अलग में आप देखो तो वायरस की जो नेचर है वो अलग-अलग की मिलेगी ड्यू टू तो दिस हायर रेट ऑफ म्यूटेशन इज नॉट पॉसिबल इस, इस म्यूटेशन की दर ज्यादा होने के कारण ही इसका वैक्सीन प्रोडक्शन है वो संभव नहीं हो पाया आ, वही स्थिति इस, इस कोरोना वायरस की है क्योंकि कोरोना में भी पूरी दुनिया में कई प्रभेद इसके बन चुके हैं और अलग अलग प्रभेद के लिए अलग अलग वैक्सीन बंद तो जाती है लेकिन किस व्यक्ति में किस वैरायटी का इन्फेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वो वैक्सीन जो है वो काम करती है हाँ कॉकटेल वैक्सीन यदि डेवलप हो जाती है तो वो फिर कोरोना के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती है सम समस्टेन अटैक ऑन मैक्रोफेज सेल एंड सेम ऑन टीलिम्फोसाइट तो इस वायरस के जो कुछ प्रभेद है वो मैक्रोफेज कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं कुछ टी टीलिम्फोसाइट के ऊपर आक्रमण करते हैं ऑरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी ये मैंने बताया कि एच आई वी की उत्पत्ति है वो अफ्रीका से हुई है इट फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका और इसका ट्रांसमिशन है वो बंदरों से मनुष्य में हुआ है एच आई वी इज पेंडेमिक है ये पूरे विश्व में महामारी के रूप में जैसे पूरी फैल गई थी अब तो हालांकि इसका कंट्रोल है काफी प्रचार प्रसार हो गया लोगों में इसका समझ भी जैसे आई है लेकिन इसका जो पूरे विश्व में जो पैटर्न है फैलने का वो तीन प्रकार का है पैटर्न फर्स्ट पैटर्न सेकंड पैटर्न थर्ड पैटर्न फर्स्ट में क्या है कि इस कैटेगरी के, के अंदर होमोसेक्सुअल जो पर्सनस हैं समलैंगिक जो महिलाएं होती है इसके अलावा जो नशे की जो दवाइयाँ लेते हैं इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स इनके अंदर ये वायरस का संक्रमण ज्यादा है और इस तरह के हॉबी वाले जो व्यक्ति हैं वो नॉर्थ अमेरिका में हैं साउथ अमेरिका में हैं वेस्टर्न यूरोप में हैं ऑस्ट्रेलिया में है न्यूजीलैंड में है पैटर्न सेकंड जो है यह हिट्रोसेक्सुअल व्यक्तियों के कारण फैलाए और इस तरह की जो कंडीशन है ये सेंट्रल और नॉर्थ अफ्रीका में है इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और पैटर्न थर्ड जो है ये मिक्स टाइप का है इन कंट्रीज में व्यक्ति समलैंगिक भी हैं लेस्बियंस भी हैं पॉलीगैमी भी है पोलियन भी, भी, भी है और इस तरह के जो व्यक्ति है वो ईस्टर्न यूरोप में है मिडिल ईस्ट में है एशिया में है और पैसिफिक रीजन में अब इंडिया चूंकि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है तो एशिया महाद्वीप में मिक्स टाइप का पैटर्न है वो देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग तरह का है मैरिज सिस्टम है आ, लेकिन फिर भी समाज में विकृतियां हैं समलैंगिक व्यक्ति भी हैं समलैंगिक महिलाएं भी हैं और समलैंगिक शादियाँ भी जैसे आजकल होती हैं कई देशों के अंदर ये विश्व का जैसे मानचित्र दिखा है इसमें किस किस कंट्री में किस तरह का पैटर्न है तो पैटर्न फर्स्ट जो है वो इस तरह के कंट्रीज के अंदर जैसे दिखाया है पैटर्न सेकंड है वो इन कंट्रीज में दिखाया है और ये जो ब्लैक जो दिखाया ये है ये, ए, ये पूरा एशिया महाद्वीप है इसके अंदर ये इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान है इंडोनेशिया मलेशिया जकार्ता चाइना नेपाल रसिया और पैटर्न फोर्थ जो है ये ग्रीन लैंड के अंदर है ग्रीन लैंड पूरा बर्फीला क्षेत्र है है तापमान सर्दियों में वहां पर माइनस फिफ्टी माइनस सिक्सटी तक हो जाता है तो ये पूरी दुनिया का ग्लोब का एक मैप है किस किस कंट्री में किस तरह का इनका ट्रांसमिशन का पैटर्न है वो पाया जाता है अब क्वेश्चन है कि किस आयु के व्यक्ति एच पॉजिटिव है तो ये एक रैंडम सर्वे जैसे किया गया है पूरी दुनिया का तो ये पाया गया कि पंद्रह वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शन की जो रेशो uh, है वो 16 प्रतिशत है 15 से 24 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं, इनका इंफेक्शन रेशो 42 परसेंट है और 25 प्रतिशत से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, इनका इंफेक्टेड रेशो 42 परसेंट है अब इस पाई चार्ट में आप देख रहे हो 15 से 24 वर्ष के जो युवा है वो सबसे ज्यादा इस एच आई के शिकार हो रहे हैं और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस वो यहाँ के यूथ पे ही डिपेंड करती है अब यदि किसी देश का यूथ यदि एच आई इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उस कंट्री की प्रोग्रेस रुक जाती है और कई बार अखबार में आर्टिकल आप देखते हो पूरा यूरोप बूढ़ों का देश हो गया क्योंकि पूरे यूरोप में 60 साल से ऊपर के उम्र वाले व्यक्ति हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आज भारत है ये युवाओं का देश है इसलिए इंडिया राइज कर रहा है और विदेशों में इंडियन की बहुत डिमांड रहती है लेकिन गलत आदत के कारण गलत हॉबीज के कारण गलत संगत के कारण आज का जो युवा है वो इस एच का शिकार हो रहा है सिम्टम्स ऑफ एच अब एच का इंफेक्शन हो गया एड्स के लक्षण डेवलप होने में टाइम लगता है अब इसमें सिम्टम में क्या क्या जैसे लक्षण है तो एच के प्रारंभिक जो लक्षण है अर्ली सिम्टम्स इसमें क्या होगा सामान्य जैसे बुखार आता है कोराइजा यानी जुखाम लगती है ब्रोंकाइटिस सांस लेने में दिक्कत आती है स्टोमक फ्लू हो जाता है निमोनिया के लक्षण डेवलप होते हैं मसल फटिक मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है वेट लॉस वजन कम हो जाता है स्वेलिंग इन लिम्फ ग्लैंड लचकाई गांठों के अंदर सोजन आ जाती है लेकिन बट दीज सिम्टम्स आर मोर स्टेबल और ये लक्षण जो होते हैं ये ज्यादा स्थायी होते हैं और धीरे धीरे फिर लेट स्टेज के अंदर क्या होगा और दूसरे लक्षण है वो डेवलप हो जाते हैं तो एच के इन्फेक्शन के काफी समय बाद में निमोनिया के लक्षण डेवलप हो जाएंगे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा बॉडी शोर शरीर में कोई घाव हो गया वो भरता नहीं है क्रॉनिक डायरिया हो जाता है कैंसर की स्थिति आ जाती है एनसीफेलाइटिस हो जाता है मैनिजाइटिस यानी ब्रेन फीवर हो जाता है एंड लेटर ऑन डैमेज विल स्टार्टेड इन लंग्स ब्रेन लीवर एंड एस्टेस्टाइन और अंत में फिर फेफड़े हैं और क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेन डैमेज हो जाता है लीवर की सेल डैमेज हो जाती है इटेस्टाइन की सेल है वो डैमेज हो जाती है और वायरस का जब इन्फेक्शन होगा तो इससे मनुष्य की प्रतिरक्षी प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है और इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तो कई अवसरवादी जो संक्रमण है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो जो व्यक्ति एच पॉजिटिव होंगे उनके अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन भी हो सकता है विशेषकर ट्यूबरकुलोसिस का और स्टेप न्यूमोनिया वायरल इंफेक्शन भी हो सकता है जिसमें शार्कोमा, हरपीज वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जैसे न्यूमोसाइटिस का फंगल इंफेक्शन हो सकता है जैसे कैंडिडा का क्रिप्टोकोकस का तो जो व्यक्ति एच पॉजिटिव होगा उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना रहती है वायरस इन्फेक्शन की संभावना रहती है परजीवी इन्फेक्शन की संभावना रहती है और फंजाई के इंफेक्शन की संभावना रहती है इस पेशेंट की आप जीप देख रहे हो इसके जीब में फंगल इन्फेक्शन है और वाइट वाइट कलर के पैचेस पूरी जीप के ऊपर है पूरे मसूडों के अंदर ये डेवलप हो गए हैं इसकी जीप पे देख रहे हो आप काले काले तिल के जैसे स्पॉट है वो डेवलप हो जाते हैं ब्लैक ऑन टंग इस व्यक्ति में माउथ में जैसे कैंसर डेवलप हो गया है आफ्टर इन्फेक्शन है इनकी स्किन में ये लाल लाल चकते हो जाते हैं ये चकते मवाद से भर जाते हैं और अंत में स्किन के अंदर भी कैंसर हो जाता है पूरी बॉडी है उसमें सेप्टिसेमिया हो जाता है पूरे ब्लड में मवाद इकट्ठी हो जाती है, है ये इसके चेहरे को देख रहे हो ये फफोलेदार अब इनके अंदर पस भरी है तो पूरी स्किन में इस तरह के फाले हो जाते हैं पूरी स्किन के अंदर ये भी आप देख रहे हो जीव के ऊपर इंफेक्शन है ऊपरी जो तालू जो है माउथ का जो तालू है तालू के अंदर ये इंफेक्शन दिखाया है हाँ, स्किन के अंदर इसके तरह फफोले जैसे हो जाते हैं तो कई बार पीठ के निकट है नाखून के निकट है जिस तरह अपन मक्की को जैसे सेकते हैं मक्की जो होती है मेज मेज को तवे पे सेकते हैं तो जैसे फूल जाता है उस तरह के फूले फफोलेदार स्पंजी टाइप के फफोले ये पूरी चमड़ी के अंदर इकट्ठे डेवलप हो जाते हैं हाँ ये आप देख रहे हो घुटनों की सेल है वो डैमेज होने लगती है और लास्ट में घुटनों में कैंसर भी हो जाता है हाँ ये लास्ट फेज है स्किन कैंसर की ये एचआई पेशेंट का पिक्चर है और आप देख रहे हो पूरी इसकी स्किन में है मवादयुक्त और पूरा कमरा है वो सड़ाद मारने लग जाता है पेशेंट के पास आप बैठ नहीं सकते इतनी दुर्गंध फैल जाती है एनवायरमेंट के अंदर हाँ अब इसमें स्टेजेज ऑफ एड्स एच आई वी इन्फेक्शन हो गया अलग चीज है अब एच आई वी इन्फेक्शन के बाद में एड्स के लक्षण कितनी दिनों में डेवलप होंगे इसको तीन फेज में डिवाइड किया गया है तो एड्स के जो लक्षण है वो तीन स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं अर्ली स्टेज या एक्यूट स्टेज मिडिल स्टेज या क्रॉनिक स्टेज और लास्ट की फाइनल स्टेज या क्राइसिस स्टेज अर्ली स्टेज जो होती है ये कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक हो सकती है और इस दौरान हल्का बुखार रहता है और शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शंस भी चलता रहता है और मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि मैं एच पॉजिटिव हूँ क्या मिडिल स्टेज जो होती है ये कई वर्षों तक चलती है और इस केस में कुछ पैथोजेनिक चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिलता है और फाइनल स्टेज क्राइसिस स्टेज ये काफी समय के बाद में डेवलप होती है और इस फाइनल स्टेज में क्या होगा सी डी फोर लिंपोसाइट जो होती है टी फोर लिंपोसाइट है उनकी संख्या में कमी आ जाती है और अवसरवादी इंफेक्शन जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन उसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है हा ये प्राइमरी स्टेज में आप देख रहे हो इसके अंदर शॉर्ट फ्लू लाइक इनलेस अकर वन टू सिक्स वीक आफ्टर इन्फेक्शन नो सिम्टम्स इंफेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर पर्सन तो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है स्टेज सेकेंड है ये भी असिम्टोमेटिक होती है कोई लक्षण इसके अंदर डेवलप नहीं होते और यह 10 साल तक चल सकती है दिस स्टेज इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स किसी तरह के लक्षण डेवलप नहीं होते हैं देर में भी स्वॉलन ग्लैंड बॉडी की जो ग्रंथियां फूल जाती है ब्लड में एच का जो लेपल होता है वो लो होता है एच एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर कई बार डिटेक्ट होती है बनती है स्टेज uh, थर्ड जो है ये सिम्टोमेटिक है और सिम्टोमेटिक में क्या होगा इसमें भी जो लक्षण जो डेवलप होते हैं वो माइल्ड होते हैं मध्य प्रकार के होते हैं इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है और बॉडी के अंदर कैंसर है वो भी डेवलप हो जाता है और लास्ट जो स्टेज है वो एड्स की स्टेज होती है तो एच और एड्स के अंदर डिफरेंस है इस बात को आप ध्यान रखें एच आई पॉजिटिव का मतलब उस व्यक्ति में एच के वायरस है वो प्रजेंट है लेकिन एड्स के लक्षण डेवलप होने में 15 से 25 साल तक लग जाते हैं आदमी का हेल्थ जितना अच्छा होगा एड्स के लक्षण उतनी ही देरी से प्रकट होंगे हेल्थ जितना डाउन होगा इम्यून सिस्टम जितना वीक होगा उसमें एड्स के लक्षण उतनी ही जल्दी डेवलप होते हैं और लास्ट में ऐसे व्यक्तियों की फिर डेथ हो जाती है ये कुछ पिक्चर्स है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये फादर है इनका बेटा है ये भी एच आई पॉजिटिव है न्यू बॉर्न बेबी हैविंग एच आई पॉजिटिव ये साउथ का पिक्चर है इंडिया का ही केरला का मदर है और इसके बेटे में एच आई वी हो गया एड्स के लक्षण डेवलप हो गए और आप देख रहे हो डेथ वेट पे कितनी दयनीय स्थिति है ये भी एच आई पेशेंट की अंतिम स्टेज है डेथ केस इसमें इनकी पूरी बॉडी का वजन है वो पंद्रह बीस किलो हो जाता है हड्डियां सारी दिखने लग जाती है ये भी अंतिम क्षण है एड्स पेशेंट के और ये मृत्यु के बाद में आप देख रहे इस व्यक्ति में है सारी पसलियां दिख रही है जिस तरह सोमवालिया में भूख मरी आई थी भीषण अकाल पड़ा था तो कुपोषण के बीच बच्चे शिकार हो गए थे खाने को भोजन नहीं था तो ये अंतिम जो घड़ी है बहुत ही दुखदायी होती है हाँ अब है इनका डायग्नोसिस कैसे करें डायग्नोसिस तो इसके लिए कई तरह की आजकल टेक्निक है जैसे काउंटिंग ऑफ डब्ल्यू बी सी बॉडी में डब्ल्यू बी सी की संख्या जनरली आठ हजार पर क्यूबिक मिलीमीटर होनी चाहिए यदि डब्ल्यू बी संख्या दो हजार तक आ गई है इसका मतलब एच आई वायरस का इंफेक्शन है इसके अलावा टी फोर लिंफोसाइट और टी एट लिंफोसाइट इनका रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है थ्रोमोसाइटोपिनिया विकसित हो जाता है ब्लड में इम्यूनोग्लोबिलिन जी और इम्यूनोग्लोबिल ए इसका लेवल है वो बढ़ जाता है सी एम आई रिड्यूस्ड इन स्किन टेस्ट त्वचा में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और एलाइजा टेस्ट के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं और इसके अलावा आजकल फिल्टर हाइब्रिडन टेक्निक है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है डी एन एफलीफिकेशन है सीटू हाइब्रिडाइजेशन है पी सी आर है इनका मेथड का यूज है वो आजकल किया जाता है और कोरोना में आप देख रहे हो आरटीपीसीआर टेस्ट जैसे कर रहे हैं इसमें रिवर्स टाइम टेस्ट पोलिमरी चैन और अभी हाल ही में सी एस आई में फेलूदा टेस्ट है वो लॉन्च किया है और काफी सस्ता है मुश्किल से डेढ़ सौ दो सौ रुपए में ये टेस्ट जो हो जाता है अब इसमें एड्स से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा किन चीजों को एडप्ट करना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा और कैसे बचे इससे मैं शेयर करूंगा तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट इस व्याख्यान के अभी हो रहा है विथ अबाउट एच ये पिक्चर के माध्यम से जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जैसे हाथों के मिलाने से एड्स नहीं होता है आप एच आई है उसे आप हाथ मिला सकते हो नो no प्रॉब्लम गले मिलने से एड्स नहीं होता है आप उनको हक कर सकते हो लेकिन कोरोना हक करने से फैलता है आ, ये इंडियन का ही है रिचर्ड गैर और ये सिल्फा सेठी ये कोई स्टेज शो के प्रोग्राम में हक किया है स्विमिंग पूल में एक साथ नहाने से एड्स नहीं होता है टेलीफोन से बातचीत करने में एड्स नहीं होता है छींकने से एड्स नहीं होता है लेकिन छींकने से सर्दी जुकाम की जो वायरस है कोरोना वायरस है ये लाखों की संख्या में हवाएं रिलीज होते हैं है ये एक टाइमलेस फोटोग्राफ का फोटो है ये व्यक्ति है छींक रहा है और छींकने से आप देख रहे हो इसके नाक से माउस से कितने लाखों की संख्या में वायरस हवा के अंदर निर्मुक्त होते हैं ड्रॉपलेट के रूप में इसलिए कोरोना के जो पेशेंट है वो जब छींकता है खांसता है तो हवा में छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में ये वायरस रिलीज होते हैं मच्छरों के काटने से एड्स नहीं होता है एक साथ भोजन करने से ग्रुप डिनर से एड्स नहीं होता है पास पास बैठने से एड्स नहीं होता है गालों को चूमने से एड्स नहीं होता है चूमने से प्यार फैलता है एड्स नहीं एड्स पेशेंट को छूने से एड्स नहीं होता है पब्लिक यूरिनल्स और टॉयलेट को यूज करने से एड्स नहीं होता है तो ये कुछ भ्रांतियां थी अब इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है ऑलवेज अवॉइड यानी डोंट टू इन चीजों को आप नहीं करें इन चीजों से आप परहेज करें और एड्स का बचाव है वही उपचार है तो ये कुछ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट सुड भी अवॉइडेड विथ मोर देन वन पार्टनर एक से अधिक पार्टनर के द्वारा लैंगिक संपर्क है वो नहीं करना चाहिए डो नॉट एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ कॉल गर्ल्स एंड गिगेलो लैंगिक संपर्क कॉल गर्ल और गिगेलो कॉल बॉय जो होते हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए डोंट गो फॉर गेस्टेशन इस फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एच आई पॉजिटिव यदि महिला एच आई पॉजिटिव है तो वो गर्भ धारण नहीं करें Otherwise, उसका जो बच्चा होगा वो भी एच आई पॉजिटिव होगा हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एंड ओपन कट स्किन तो शरीर में कोई घाव हो कोई त्वचा कटी हुई हो है उनको आप ढक के रखें क्योंकि खुले घाव हैं वो संक्रमण के सबसे ज्यादा स्रोत है सेम इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सोशल फंक्शन लाइक प्रीप्यूसि अब कई धार्मिक रीति रिवाज है जैसे मुस्लिम्स में खतना जो करते हैं सन्नत तो कई बार गांव में तो नाई जो होते हैं वो एक ही कैंची से सन्नत कर देते हैं उसको स्टरलाइज नहीं करते हैं साफ सफाई नहीं करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट बार बार काम में लेने से भी इसके संभावना रहती है अम्लिकल कटिंग डिवली किश्त में जो नाभी का जो रज्जू है वो काटते हैं इसके अलावा टाटू गुदवाने की जो मशीन है इनको यदि स्टरलाइज नहीं किया जाए तो एच फैलने की संभावना क्या रहती है अवॉइड द यूज ऑफ वेट किस डीप किस जो है इसको भी नहीं लेना चाहिए इसके अलावा एनल किस वेजाइनल किस पेनाइल किस इनको भी अवॉइड करना चाहिए जितने भी नार्कोटिक और टॉक्सिक ड्रग्स हैं इनको नहीं लेना चाहिए अवॉइड यूज ऑफ और वेस्लिन, पेट्रोलियम जैली और एनि लोबरी ऑन कंडोम कंडोम के ऊपर इस तरह की पेट्रोलियम जैली है इसको यूज में नहीं करना चाहिए क्योंकि कंडोम है एक तरह का रबड़ है लेटेक्स है और लेटेक्स जो होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर डिजोल हो जाता है उस केस में जो फ्रेंच लेदर है ये लीक हो सकता है डू नॉट यूज लव मशीन एंड इन ग्रुप ग्रुप सेक्स सेक्स के दौरान इन मशीन को यूज नहीं करना चाहिए डोंट फीड योर बेबी विथ ब्रेस्ट मिल्क यदि आप एच आई पॉजिटिव है तो अपने अपने बच्चे को भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि मिल्क में भी कोशिकाएं निकलती है और उन कोशिकाओं में सी डी फोर प्रोटीन से है ओपरजेंट होते हैं डोंट यूज वेट अंडर वियर एज वेजाइनल सिक्रीशन कंटेन म्यूकस विच में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ एच आई वी कई बार गाँव में देखा है हॉस्टल्स में देखा है कि uh, लड़कियाँ जो होती हैं अपने अंडर गारमेंट्स एक दूसरे का पहन लेती हैं और वेजाइनल सिक्रीशन है वो म्यूकस टाइप का होता है uh, उसके अंदर भी एच आई वी का इन्फेक्शन है वो पाया जाता है इसलिए अंडर गारमेंट है वो अपना ही पहने सुखा के पहने ड्राई करके पहने हीट प्रेस करके पहने किसी एक दूसरे का अंडर गारमेंट है उसको आप यूज नहीं करें बी अवेयर फ्रॉम वेटकिस किस का फुल फॉर्म है कीप इट शॉर्ट स्टूप इट इस तरह का टंकिस है यह भी नहीं होना चाहिए और कई बार दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो एक ही स्पेटूला से जैसे अज्ञानता uh, कांड वाले उसको वाश नहीं करें uh, मान लो ये व्यक्ति एच आई पॉजिटिव है और इसके इस ने दांतों की जैसे टेस्टिंग करी और स्पेटूला को स्टेडलाइज नहीं किया और इसी स्पेटुला से दूसरे व्यक्ति में उसने दांत देख लिए है तो ये वायरस इस स्पेटुला के द्वारा उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है ये समलैंगिक व्यक्ति है होमोसेक्सुअल गई ये प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं और जब भी आप बड़े शहरों में जाए विदेशों में घूमने जाए तो ये प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स हैं इनसे आप दूर ही रहे ये होमोसेक्सुअल कपल है ये समलैंगिक महिलाएं हैं लेसविन कपल है और विदेशों में तो आजकल ये इस तरह का गिफ्ट भी दिया जाता है शादी में जैसे समलैंगिक लेसविन कपल है उसको गिफ्ट दिया ये सिंबल आप देख रहे हो प्लस का ये फीमेल का सिंबल है तीर का निशान हो तो वो मेल का सिंबल होता है ये बड़े शहरों में कातिल निकाय आपको ढूंढती रहती है हा ये आर्मी पर्सन है कोई बैठे हैं और गर्ल्स इनको अटैक्ट कर रही है प्रेग्नेंसी धारण नहीं करें गर्भ धारण नहीं करें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाए गुदवाने से बचें क्योंकि टाटो गुदवाने की जो मशीन है उस मशीन के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि कई बार जो ब्लड सैंपल जो अपन चढ़वा रहे हैं वो एच फ्री होना चाहिए तो कई बार अज्ञानता के कारण ब्लड के द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है ये लव मशीन है ग्रुप सेक्स में इसको काम में नहीं लेना चाहिए आर्टिफिशियल डिल्टो इसके अलावा स्किन पे कोई भी घाव हो स्किन हो दाढ़ी बनाते इसमें और उसी रेजर से किसी दूसरे व्यक्ति ने दाढ़ी बना ली तो इस वायरस के संक्रमण की संभावना रहती है ये अंतिम विदाई का जैसे क्षण है अब इसका जो जो तीसरा एस्पेक्ट है, यानी इन चीजों को आप प्रमोट करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा फैक्टर्स कॉजिंग एच आई वी शुड बी स्टडीड एंड कम्युनिकेटेड टू लोकल पीपुल एच आई वी को प्रसार करने वाले जो तरीके हैं uh, उनका स्थानीय जो भाषा में स्थानीय कम्युनिटी में स्थानीय समुदाय में इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कंडोम शुड बी यूज एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इंटरकोर्स के समय कंडोम का यूज किया जाना चाहिए ऑलवेज मोटिवेट टू योर लाइफ पार्टनर टू प्रैक्टिस विथ फ्रेंस लेदर और अपने पार्टनर हैं उसको भी कंडोम uh, यूज के लिए आप प्रेरित करें इफ योर लाइफ पार्टनर इज इन्फेक्टेड विथ एच आई वी ड्यू टू होमोसेक्सुअलिटी इटोसेक्सुअलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाई आईवी ड्रग ऑलवेज यूज करता हूं यदि आपका पार्टनर है वो किसी भी कारण से एच संक्रमित हैं तो उनको आप फ्रेंच लेदर यूज करने के लिए आप उनको प्रेरित करें इंजेक्शन विथ न्यू डीडील और बाय स्टरलाइज डीडील जब भी आप इंजेक्शन लगाएं तो नया इंजेक्शन लगवाएं या पुराने इंजेक्शन को स्टरलाइज करके बॉइल करके उसको आप काम में लें एजुकेट योर किड्स बिफोर दे गोइंग टू तो बी मैरिड आपके बच्चों की शादी हो उससे पहले आप उनको इस बीमारी के बारे में आप उनको एजुकेट करें प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंडोम यूज़, यूज़ कंडोम कैसे करें इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मेडिकल चेकअप ऑफ प्रोफेशनल सीमेंट डोनर तो प्रोफेशनल जो सीमेंट डोनर है ब्लड डोनर है कॉल गर्ल्स हैं प्ले बॉयज हैं इनका रूटीन मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए एच आई वी टेस्ट शुड बी डन बिफोर सेल टिश्यू ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन जब भी बॉडी में कोई सेल का प्रत्यारोपण करना हो टिश्यूज का ट्रांसप्लांटेशन करना हो कोई अंगों का ट्रांसप्लांटेशन करना हो तो एच टेस्ट बहुत जरूरी है बिफोर योर मैरिज एच टेस्ट शुड बी डन फॉर योर लाइफ पार्टनर शादी से पहले भी अपने पार्टनर का एच टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है एंड नॉन ऑक्सील नाइन विल बी यूज ऑन कंडोम शर्फेज कंडोम के ऊपर ये केमिकल है इसको आप लगा सकते हो और यदि कंडोम रक्चर भी हो जाता है उस केस में वायरस की जो प्लाज्मा जी है वो इस केमिकल के कारण न्यूट्रलाइज हो जाती है और एच के संक्रमण की संभावनाएं काफी कम हो जाती है फॉलो अप इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इन योर लाइफ स्टाइल और इंडियन कल्चर है इसको आप फॉलो करें अवेयरनेस कैंप विल बी ऑर्गेनाइज बाय एनएसएस एनसीसी स्काउट यूनिट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज तो कॉलेज की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवी इकाइयाँ हैं एनसीसी इकाइयाँ हैं स्काउट यूनिट है इनके द्वारा आप अवेयरनेस कैंप है ऑर्गेनाइज करें और इस बीमारी के बारे में न्यूज़पेपर्स के द्वारा रेडियो जिंगल्स के द्वारा टेलीविजन के द्वारा बैनर लगा के पोस्टर लगा के पैम्पलेट छपवा के क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके है ड्रामा के द्वारा है इनका आप नुक्कड़ नाटकों के द्वारा इसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हो जैसे ये एक वर्कशॉप का जैसे फोटो है और नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये कलाकार हैं जो नुक्कड़ नाटक के द्वारा एच कैसे फैले कैसे बचाव करें उसके बारे में ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये महाविद्यालय में रे, रेड रिबन क्लब भी है जैसे ये फोटो पारी कॉलेज जयपुर का है और महिलाएं हैं ये ब्लड डोनेट कर रही हैं तो हर कॉलेज में हर स्कूल में रेड रिबन क्लब है वो भी एस्टेब्लिश है उसके द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार है वो किया जा सकता है और ऑलवेज रिमेंबर दिस इन बातों को हमेशा आप याद रखें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बचाव है वही उपचार है बी श्योर देर इज नो क्योर देर इज नो एड फॉर एड्स डोंट बी प्रोमिस क्वेस्ट टू तो योर लाइफ पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आप वफादार रहें उसे बेवफा नहीं हो बी मोनोगेमस मोनोगेमस रहे यानी पूरी जिंदगी भर एक ही पार्टनर एंड फॉलो अप द इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर और भारत की जो सभ्यता है संस्कृति है, है उसको आप फॉलो अप करें काम में लें। ड्रग से हमेशा दूर रहें। और सड़कों के किनारे इस तरह के प्रचार प्रसार के हॉर्डिंग भी लगाने चाहिए भारत में मैं काफी जगह घूमा पूरा इंडिया मैंने देखा है लेकिन सड़कों में और हॉर्डिंग तो लगे रहते हैं कि सावधे आगे खतरनाक मोड है बाएं मुड़िए लेकिन इस तरह के एड्स के प्रचार प्रसार के हॉर्डिंग मैंने आज तक नहीं देखे अब ये अफ्रीका का ये एक गांव है छोटा सा गांव है कॉलोमो और आप देख लो छोटे से गांव में भी अवेयरनेस के ये हॉर्डिंग है वो साइड में लगे सड़कों के आ, एक हाई -टेक आ, ये एक भारतीय यूथ है हाईटेक मेथड ऑफ किसिंग कंडोम uh, यूज़ के बारे में जैसे सोशल वर्कर है उनको एज ए मॉडल उनको समझा रही है बनाना को एज ए मॉडल समझा रही है कंडोम कैसे काम मैंने ये भी कंडोम यूज का तरीका है आजकल मार्केट में फीमेल कंडोम भी जैसे अवेलेबल है ये फीमेल कंडोम्स हैं ये कलकत्ता का सोनागाछी एरिया है रेड लाइट एरिया वहाँ पर सोशल वर्कर कॉल गर्ल्स को uh, जैसे अवेयरनेस uh, के माध्यम से उनको जागरूक कर रही है क्लोज टुगेदर एंड बी फेथफुल ये कुछ सिंबल है मेल फीमेल के मेल को जैसे तीर के निशान से दिखाते हैं और फीमेल को प्लस के निशान से दिखाते हैं तो ये जैसे होमोसेक्सुअल मैरिज दिखाई है इसमें श्योर देर इज नो प्योर अबंत में इसका ट्रीटमेंट उपचार एचआईवी पॉजिटिव हो गया आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करें तो देर इज नो डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर एड्स एड्स का अभी तक कोई कामगार ट्रीटमेंट है वो साबित नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जो कॉमन प्रैक्टिस में जो मेथड है इसको पांच कैटेगरी में जैसे डिवाइड किया है कन्वेंशनल थेरेपी इम्यूनो मॉड्युलेशन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशनल थेरेपी और वैक्सीन कन्वेंशनल थेरेपी में क्या होता है कि बॉडी में जब भी एच का संक्रमण हो जाएगा तो उस व्यक्ति में वायरस का बैक्टीरिया का फंजाई का इंफेक्शन होने की संभावना रहती है इसलिए इन व्यक्तियों को एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है एंटीबैक्टीरियल जैसे रिफामाइसिन है पेंटामिडिन है आ, ट्राइमोक्सीजोल है एंटीवायरल में ए जेड टी सूरामिन डीडीआई डी डी सी रिवान एल्फा बीटा इंटरफेरॉन एंटीफागल में एम्फोटिन है बीटा बीटाइमिडीजोल है तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कन्वेंशनल uh, ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है सेकेंड uh, जो तरीका है मॉड्यूलेशन इसके अंदर क्या होगा यूज ऑफ एंटी एच आई वी एंटीबॉडीज एंटी एच आई वी एंटीबॉडीज

रेप्लीकेट uh, होने से रुकता है और सोल्यूबल सी डी फोर एंटीजेंस है इनका इंजेक्शन से लगता है तो सोल्यूबल सी डी फोर प्रोटीन बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद में वायरस uh, है ब्लड में घूमता रहता है बाकी सेल्स पे अटैक नहीं करता है तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का भी आजकल यूज किया जाता है और कॉम्बिनेशन थेरेपी कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या होगा दो तरह की जो प्रोडक्ट है उनको मिक्स करके ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे ए जेड टी प्लस सोल्यूबल सी डी फोर प्रोटीन इस कॉम्बिनेशन काम में ले सकते हैं सी डी फोर प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन जी या इम्यूनोग्लोबुलिन एम इस कॉम्बिनेशन को काम में ले सकते हैं या सी डी फोर प्लस एनी इसको काम में ले सकते हैं तो कॉम्बिनेशन थेरेपी भी इनके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है और कुछ वैक्सीन हैं वो डेवलप हुई है लेकिन वो इतनी कामकार नहीं है अभी तक तो इनएक्टिवेटेड एच आई वी इसको में लेते हैं वायरस का जीपी वन सिक्सटी प्रोटीन है इसको एज ए वैक्सीन काम में लेते हैं जीपी वन टी को काम में लेते हैं में लेते हैं एंटी टाइप एंटीबॉडीज इसको भी काम में लेते हैं अब घर में कोई एच आई पेशेंट हो गया एड्स के लक्षण उसमें डेवलप हो गए तो क्या उसको तिरस्कार करना चाहिए क्या उसको सोसाइटी से निष्कासित करना चाहिए तो पोस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है अदरवाइज तो व्यक्ति क्या होता है कि सोशल बाइकाट का शिकार हो जाता है हीन भावना का शिकार हो जाता है डिप्रेशन आ जाता है।, है कई बार व्यक्ति सुसाइड भी कर देते हैं जैसे वियतनाम में ये महात्मा बुद्ध का मंदिर है एड्स के पेशेंट के लिए तो मंदिर में मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी इम्यून सिस्टम है वो प्रेरित होता है ये थाईलैंड में जैसे ऐड सैंपल है मातम बुद्ध का ये देख रहे हो अब एच आई पॉजिटिव ये मातम बुद्ध की प्रतिमा को जैसे पूजा कर रहा है बी सिंफेथेटिक टू दीज ऑर्गेंस अब ये बहुत ही इमोशनल पोस्टर है इस बच्ची का अब इस बच्चे में इसकी आंखें हैं वो तो इसके फादर के जैसी है लेकिन इसमें एड्स इसकी मदर से आया ये एक बिल क्लिंटन जब इंडिया आए थे तो उनके भाषण का ये कुछ कवरेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं बिल क्लिंटन साहब ने अपने स्पीच में क्या बोला था वी कैन पुट पीपुल ऑन द मून वी कैन इरेडिकेट स्माल पॉक्स वी कुड स्टॉप पोलियो वी कैन मेक ए स्टार्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एड्स वी आर श्योर दैट विद द यूनाइटेड इफर्ट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड पीपुल द एड्स विल सोन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ तो ये उद्बोधन है बिल क्लिंटन साहब के जो अमेरिका से भारत प्रवास के दौरान आए थे उसमें अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये बोला था ये हाथ से हाथ मिला ये दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता है एड्स के प्रचार प्रसार के लिए ये भारत का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ये भी फैमिली वेलफेयर में हेल्थ वेलफेयर में एड्स के कंट्रोल में पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार प्रसार करता है अवेयरनेस करता है जिंगल करता है नुक्कड़ नाटक के द्वारा गांव-गांव में ऑर्गेनाइज करता है तो ये आज का मेरा व्याख्यान एड्स वायरस पे। और चूंकि आज आई हुई डे है एड्स दिवस है इसलिए एज ए लेक्चर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस व्याख्यान को पूरे राजस्थान में मैं सर्कुलेट करूं और विशेषकर यूथ कॉलेज का जो यूथ है उसके साथ में इसको मैं शेयर करूं और एक साथ में अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज की तरफ से मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू हैव ए गुड हैव ए ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच